हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2017 व इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के सफल निष्पक्ष व मुक्त समापन के संबंध में सभी लाइसेंस शुदा हथियारों को अपने नजदीकी थानों में जमा करवाने के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें सोलन जिला में आम जनसाधारण द्वारा 100% अपने हथियार जमा करवाए गए थे। इसी कड़ी में सबसे वृद्ध विशा गांव की 92 वर्षीय सोंको देवी ने स्वयं कंडाघाट थाना में उपस्थित होकर अपनी बंदूक को चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत जमा करवाया और लोगों के लिए मिसाल पेश की थी। आज 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय कर पुलिस अधीक्षक मोहित चावला, उप पुलिस अधीक्षक रामलाल बंसल व प्रभारी पुलिस थाना कंडाघाट संदीप कुमार के साथ सोंको देवी द्वारा थाना में जमा करवाई गई बंदूक को स्वयं उन्हें सौंपने के लिए उनके निवास स्थान गांव विसा पहुंचे। इस अवसर पर एसपी मोहित चावला ने सोंको देवी को शांति दूत की संज्ञा देते हुए स्मृति चिन्ह व सॉल भेंट की और उन्हें उनकी बंदूक वापस की। पुलिस अधीक्षक ने ग्राम पंचायत विशा के प्रधान सीता ठाकुर को पुलिस प्रशासन की ओर से सराहना पत्र भी भेंट किया। इस अवसर पर एसपी मोहित चावला ने कहा कि आज पुलिस टीम अपना वायदा निभाने सोंको देवी के घर आए हैं और जिस प्रकार सोंको देवी ने कर्तव्य परायणता व विधि का अनुसरण करने वाले सभ्य नागरिकों का परिचय दिया है, इससे आम जनता और युवकों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोंको देवी सभी लिए प्रेरणा स्रोत हैं और पुलिस विभाग शांति दूत के सम्मान से इन्हें नवाजता है। सोलन पुलिस के लिए गर्व की बात है और आज हमारी टीम यहाँ पर सोंको देवी जी के घर आई है बादशाह में। जब इलेक्शन स्टार्ट हुए और हमने लोगों को आग्रह किया कि अपने अपने वेपन्स डिपॉजिट करवाएं, तो सबसे पहले ये निकलकर सामने आए और 92 इयर्स की एज में ये थाने में स्वयं पहुंचे और इन्होंने अपना वेपन डिपॉजिट करवाया। तभी हमने इनको पुलिस का, सोलन पुलिस का शांति दूत, पीस एम्बेसडर बनाया। जैसे कि हमने वादा किया था कि हम इनका वेपन देने हमारी टीम खुद जाएगी, तो आज हम इनके घर आए हैं, इनके परिवार से मिले हैं। आज के युवा को एक मार्गदर्शन बनते हैं, तभी हमने इनको अपना शांति दूत बनाया। हमको इनसे सीखना चाहिए। सोलन पुलिस आभारी है, हम लास्ट इलेक्शंस में 100% वेपन डिपॉजिट कर पाए इन्हीं लोगों की वजह से। जब इतने बुजुर्ग सामने आते हैं तो युवा पीढ़ी में भी जोश बनता है। सोलन पुलिस के ये शांति दूत हैं, रहेंगे और सोलन पुलिस इनको सैल्यूट करती है। सोंको देवी की नातिन रीना, ग्राम पंचायत के उप प्रधान विनोद कुमार ने कहा कि आज उन्हें बहुत अच्छा लगा कि एसपी मोहित चावला द्वारा उनके बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि सोंको देवी शाकाहारी हैं तथा दूध घी इत्यादि का सेवन करती हैं, जो स्वयं में एक प्रेरणा प्रदान करती हैं कि शाकाहारी भोजन में इतनी शक्ति है। ये हमारी नानी जी है और हमें मतलब बहुत खुशी हुई है कि आज हमारे एसपी साहब जी, एसएचओ साहब, सोलन पुलिस वाले जो मतलब इतनी दूर से चलकर हमारे घर में आए और हमारी जो नानी जी है वो बहुत बुजुर्ग है, उनको इतनी इज्जत दी, उनको इतना सम्मान दिया। और क्या बताएं हम इनके बारे में, जो हमारी नानी जी है हमारे मतलब एरिया में सबसे बुजुर्ग है और जो इन्होंने अपनी बंदूक है जो वो मतलब जमा करवाई थी, तो इनका सेहत का राज है, वो शाकाहारी है और देसी घी वगैरह जो मतलब पुराने टाइम में लोग खाते थे। सबसे पहले तो मैं एसपी सोलन श्री मोहित चावला जी आभार व्यक्त करता हूं ग्राम पंचायत विशा की तरफ से, और उन्होंने हमारी इस बुजुर्ग महिला का जो शांति दूत के तहत रूप में सम्मान दिया है, इसका विशा पंचायत की तरफ से मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इनके स्वास्थ्य की भगवान से कामना करता हूं।